संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हुए इस ऐतिहासिक अभूतपूर्व भारत बंद ने क्या हासिल किया? पहला, इस बंद ने उन लोगों की बोलती बंद कर दी जो कहते थे कि ये सिर्फ कुछ एक इलाकों का आंदोलन है, सिर्फ कुछ चंद लोगों का आंदोलन है। आज केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, बंगाल, झारखंड, बिहार ने उनकी बोलती बंद कर दी। दूसरा, इस बंद ने किसान को मुट्ठी बंद करना सिखाया। किसी एक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे देश भर के किसान एक दिन एक नियत समय पे कुछ करके दिखा सकते हैं, और वो भी पूरी तरह शांतिप्रिय तरीके से। ये एक महान उपलब्धि है। तीसरा, इस बंद ने दलों को, दूसरे संगठनों को भी बताया कि किसान के साथ मुट्ठी बांधे बिना, हाथ से हाथ मिलाए बिना कोई रास्ता नहीं। तमाम ऑपोजिशन पार्टीज ने सीखा, बाकी तमाम संगठनों ने सीखा, ये जो गठबंधन है ये इस देश के लिए बहुत शुभ लक्षण है। इस बंद ने बहुत कुछ खोला भी होगा। मुझे तो लगता है हो सकता है प्रधानमंत्री की आत्मा का दरवाजा भी खोला हो। अब आपको यकीन नहीं होगा तो चलिए, कम से कम लोगों की आंख तो खोली होगी जो सिर्फ टीवी देख देख के सोचते हैं कि नहीं, आंदोलन तो अभी रहा नहीं, खत्म हो गया। आंदोलन है, जिंदा है और इस देश के किसान के दिलो दिमाग पे है, ये उनको दिखाई दिया होगा। सबसे बड़ी बात है, इस बंद ने भविष्य का रास्ता खोला है। इस बंद ने सिखाया है कि अब किसान आंदोलन का असली मोर्चा सिर्फ दिल्ली नहीं, वो पूरे देश भर का किसान होगा। और इस शांतिमय लोकतांत्रिक संघर्ष से ये मोर्चा लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।